हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनोरंजन बी। प्रियंका चोपड़ा ने इंडियन मीडिया को एक करारा तमाचा मारा है। जी हां, हम आपको बता दें, दरअसल प्रियंका चोपड़ा एक इवेंट को अटेंड करने के लिए अपने पति निक जोनस के साथ पहुंची। ये इवेंट न्यूयॉर्क में होना था, लेकिन प्रियंका चोपड़ा की हाई हील्स पहनने की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा और वो फर्श पर गिर पड़ी। प्रियंका चोपड़ा के गिरते ही वहां के सभी मीडिया ने अपना कैमरा डाउन कर दिया और प्रियंका से कहा कि आप अपना टाइम ले, हम आपका इंतजार कर सकते हैं। इवेंट के दो दिन बीत जाने के बाद भी प्रियंका के गिरने का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, जिस पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि न्यूयॉर्क के सभी मीडिया का वो धन्यवाद कहना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें एक बड़ी एम्बेरसमेंट से बचा लिया है। प्रियंका ने कहा कि यहाँ का मीडिया टीआरपी के लिए कभी भी किसी को बेइज्जत नहीं करता। प्रियंका ने बताया कि उनके 23 साल के करियर में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो स्टेज पर जाकर गिर गईं, और ये बात भी प्रियंका ने खुद ही बताई, ना कि वहाँ के किसी मीडिया ने। लेकिन अगर यही इंसिडेंट इंडिया में हुआ होता तो इसी के वीडियोज यहाँ के मीडिया वायरल कर देते, क्योंकि इंडियन मीडिया के लिए टीआरपी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रियंका चोपड़ा के इस स्टेटमेंट के बाद सभी ने इंडियन मीडिया को खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम्हें भी वहां के मीडिया से कुछ सीखने की जरूरत है। सेलिब्रिटी भी इंसान ही होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में घुसना मीडिया का काम नहीं है। पीसी के इस स्टेटमेंट पे आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल मनोरंजन बी को सब्सक्राइब जरूर करें।